हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपीटी स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीट एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन विद एक्सेल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। मेरे पास कई सारे शीट्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास बहुत सारे शीट्स हैं, इसको नीचे से नेविगेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और मैं चाहता हूं कि एक सीट बने जहां पे सारे शीट्स के लिंक हो, जिसपे क्लिक करके हम वापस उस सीट पे पहुंच जाएं। तो कैसे होगा, चलिए बताते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं प्रमोशनल वीडियोज डालता हूँ या फिर सैंपल्स वीडियो डालता हूँ, लेकिन मेरे ऐप पे जाएंगे तो वहां पे आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस फाइल, प्रैक्टिस कोड, उसके बाद आपको वहां पे नोट्स वगैरह भी मिलेंगे। तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आईओएस एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ में आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे डेली बेसिस पे कुछ नए नए चीजें मैं अपलोड करता हूँ, और ग्रुप का लिंक इस वीडियो के पिंग कमेंट में मिलेगा। तो आपका टाइम बर्बाद नहीं करके हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Recording in progress. तो टॉपिक को एक बार देखते हैं कि मुझे एक सीट इंसर्ट करना है, जिसमें मुझे हर सीट का हाइपरलिंक चाहिए, लिस्ट चाहिए और हाइपरलिंक होना चाहिए। हालांकि मैनुअली उसको हम कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली तब कर लीजिएगा जब आपके पास 5, 7, 10, 20 सीट हो तब। लेकिन कई बार हमें क्या होता है कि 50, 60, 100, 150 शीट्स हो जाते हैं, तो सबका टेबल ऑफ कंटेंट पे सबके नेविगेशन में प्रॉब्लम होती है। तो मैनुअल ना करके हम वीवीए प्रोग्रामिंग की मदद लेंगे। तो चलते हैं विजुअल बेसिक पे, और विजुअल बेसिक पे आने के बाद यहाँ हम नीचे आते हैं, और यहाँ सबसे पहले मैं एक छोटा कर देता हूँ मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट देता हूँ, देता हूँ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सैंपल नंबर 31, और सब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिम डब्ल्यू एज ए वर्क शीट, और फिर यहाँ पे हम एक शीट ऐड करेंगे कि शीट्स डॉट ऐड, और उसका नेम हम रख देते हैं POC, ठीक है। देन यहां पे लिखते हैं सेट W इक्वल टू एक्टिव सीट, या क्योंकि अभी जो सीट ऐड हुआ है वही एक्टिव है, इसे हम डायरेक्ट एक्टिव सीट कर दिया। अब उसको मुझे सबसे पहले मूव लाना है, तो सीट डॉट मूव, मूव में मैंने लिख दिया बिफोर, जी हाँ बिफोर, और हमने ब्रैकेट दिया इक्वल किए। बिफोर में क्या दे दिया मैंने, हमने बोला शीट्स अप वन, क्योंकि यहाँ पे ना सीट का मुझे नाम पता होगा, ना सीट का प्रॉपर्टी कैप्शन में पता नहीं होगा, तो सीक्वेंस कर दिया कि पहली सीट से पहले मूव कर दे, ये आपकी पहले सीट पे आ जाएगी। उसके बाद मैं रेंज में लिखता हूँ, यहाँ पे शीट्स नेम, सॉरी यहाँ पे रेंज A1 करना ना, हाँ A1, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट नेम, हेडिंग दे देता हूँ शीट्स शीट नेम। अब यहाँ पे लूप लगाऊंगा कि फोर आई इक्वल टू 2 से चले, क्योंकि पहला तो हमने TOC डाल रखा है, इसलिए 2 से चले, 2 2 हमने बोला दो सीट की काउंट शीट्स डॉट, और यहां पे करते हैं नेक्स्ट आर। अब यहां पे हम करते हैं डब्लू, क्योंकि डब्लू ले लिया हमने, डब्लू डॉट हाइपरलिंक्स, हाइपरलिंक्स इसको स्पेस देते हैं, स्पेस देने के बाद हम हाइपरलिंक्स डॉट ऐड, सॉरी हाँ ऐड, इसके बाद स्पेस एंकर ऑब्जेक्ट, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, तो हमने बोल दिया कि डब्ल्यू डॉट सेल, और हमने बोला आई रो, क्योंकि 2 से होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 से है तो 2 से चलेगा,
आई डॉट कॉमा वन, हमने बोला कि इसका ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद एड्रेस, तो हमने एड्रेस को ब्लैंक छोड़ दिया, हम सब एड्रेस में डाले। और सब एड्रेस में क्या डालना है, सीट का नेम। बट सीट का नेम में स्पेस भी सिलेक्टेड ऐसे हो सकता है, तो सीट का नेम कुछ इस तरह से देना होता है कि भाई जैसे कि आपका सीट में जैसे मान लीजिए पुणे है, तो पुणे और यहाँ पे A1, इस तरह से देना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगल कोट देना पड़ेगा, इस तरह से देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि इस सिंगल कोट को रख दिया इन्वर्टेड कॉमा, फिर एंड पर से पुणे जो है हमारा, वो हमारा सेल सीट का नेम है, यहाँ पे लिख दिया सीट्स, और सीट्स के अंदर कर देते हैं आई डॉट नेम, और फिर यहाँ पे अगेन एन परसेंट, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में दोनों को डाल दे। ये हो गया हमारा एड्रेस, सीट का एड्रेस। ये उनके जगह पे जहां से कर्सर ले जाता है वहां ले जा सकते हो। उसके बाद आता है स्क्रीन टिप, छोड़ दीजिए डिस्प्ले टू टेक्स्ट। क्या होगा डिस्प्ले टू टेक्स्ट, मतलब कि बाहर क्या दिखेगा। तो हम सीट का जो नाम है ना वही देखना चाहते हैं, सीट्स आई डॉट हमने कर दिया नेम, सिंपल सा शीट्स आई डॉट नेम हमने कर, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसको हम रन करके देखते हैं अपने सैंपल वन वाली मैक्रो, ये रहा सैंपल वन। तो यहां पे हम इसको जस्ट रन करते हैं, एक बार रन किया, देखिए अब यहां देखिए पुणे पे क्लिक किया तो पुणे पे डेटा पहुंच जाएगा, यहां पे अगर मैं नोएडा पे क्लिक किया तो नोएडा पे, सीट टू पे किया तो सीट टू पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम जा सकते हैं। Recording stopped. अगर आप लोगों को मेरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो प्लीज ऐप को डाउनलोड कर ले, सामने स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करने में। थैंक यू।